little, she still sees me as a little child. Uh-huh. And वो मेरा इतना care करती है, इतना प्यार करती है. So I wish him best of luck. I'll give him a kiss. Okay, best of luck and enjoy your day. देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम. आप देख रहे हैं ज़ियाज़ एक्सपेडिशन, मेरे यानी ज़िया शाकिर के साथ. उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत होंगे. दोस्तों, आज मैं ऐसे लोकल स्कूल में आ रहा हूँ जहाँ पे मदर्स डे सेलिब्रेट हो रहा है. यहाँ पे हम बच्चों के साथ मदर्स डे मनाएंगे, मदर्स के साथ मदर्स डे मनाएंगे, और यहाँ के हम जो स्टाफ है, टीचर्स, उनके साथ भी बात करेंगे. आप कहीं नहीं जाना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये ब्लॉग आज का ये कैसे लगेगा. मेरे साथ एक क्यूट सा बच्चा है यहाँ पे, क्या नाम है? आहिल. किस क्लास में? यूकेजी. यूकेजी, ओके. आज क्या है यहाँ? मदर्स डे. क्या कर रहे हो यहाँ? टॉपिक बोलना है. किस पे? आजा मेरे साथ. मदर्स पे. मदर पे बोलना है. जरा मुझे बोलो, क्या बोलोगे आप? Respect the guests, teachers and my dear friends. Assalamualaikum, my name is Mohammed Ahil. लाख अपने की हिफाजत की लकीरें खींचो, लाख अपने की हिफाजत की लकीरें खींचो. एक दिन मैं नहीं माफी दूंगी जैसी मदर्स और द होली टीचर्स ऑफ गॉड हु हेल्प टू सिस्टर लाइफ ऑन अर्थ. फॉर एवरी चाइल्ड हैव मदर इज द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एंड सो एम आई. आई हैव मदर, शी इज वेरी नाइस. सो आहिल, मुझे बताओ आपने लर्न कब से किया ये? कितना टाइम हो गया लर्न करते हुए? आपको जो सारा याद है बहुत अच्छी तरीके से? फाइव डेज. ओके, सो आहिल इज इन यूकेजी क्लास. सो आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक. आहिल, गिव मी किस. ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड एंजॉय योर डे. बाय बाय. सो भाई साहब, यहाँ पे था आहिल एंड आहिल इज वेरी एक्साइटेड फॉर द डे एज फॉर श्योर. सो स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी एक्साइटेड, सो एम आई, एंड आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक. वी शुड यू नो दिस डे इज सेलिब्रेटेड जस्ट टू ऑनर आवर मदर्स वेयर एवर दे आर इन दिस वर्ल्ड. सो वी शुड रेस्पेक्ट और मदर्स, यू नो, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर मदर्स. हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. सो दिस इज़ व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ दिस डे. सो आप बने रहे इस व्लॉग में. इस व्लॉग को डेफिनेटली अंत तक देखना, ज़रूर देखना. हम आगे स्कूल में, तो यहाँ पे हम बच्चों के साथ खूब सारी मस्ती करेंगे एंड खूब सारा इन्जॉयमेंट करेंगे. पेरेंट्स से भी बात करेंगे, बच्चों के साथ भी बात करेंगे. आप कहीं नहीं जाना, बने रहे इस व्लॉग में भाई साहब. खैर, कौन कौन बोलेगा? आज क्या है? मदर्स डे. मदर्स डे. तो आपका नाम क्या है? इमाद. इमाद, आपका नाम क्या है? किस क्लास में पढ़ते हो? मेरे साथ प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे. किस क्लास में पढ़ते हो आप? 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 सारे फर्स्ट के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे. सारे फर्स्ट के स्टूडेंट्स हैं. आप किस क्लास में पढ़ते हो? किसमें? यूकेजी. आप किस क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी. यूकेजी. आप किस क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट. आप माँ से कितना प्यार करते हो? लव योर मदर. माँ से बहुत प्यार करते हो, उसको तो डांटते तो नहीं हो ना? सारा माँ पे उसका, मदर का. सच में आप माँ का सब जो बोलती है आपको मानते हो? हर कोई बात आप मानते हो सब कुछ? मदर्स डे क्या होता है मुझे कोई बताओ, मुझे समझा यहाँ पे. जोर से जोर से जोर से. हाँ, मदर्स डे क्या होता है? माँ का खास डे होता है. ओके, सो यहाँ पे हमें चाहिए इस डे, यही इम्पोर्टेंस है कि हमें चाहिए जो माँ है उसका ख्याल रखे, है ना, उसको प्यार दे दे, उसका जो बात माने की जो कुछ एक्टिविटीज़ बोलेगी उसको करना है ना. हमें नहीं चाहिए कि हम जो है वो फायदे बने इसके ऐसे मानो तरह से कुछ
سانہِ زندگی منٛز اکھ اہم چیٖز آسان تِکیازِ یُس اکھ انسان چھُ أہنٛز زندگی چھِ اِنکَمپٕلیٖٹ ماجہِ وَرٲے تِکیازِ یُس اکھ خۄدا صٲبن چھُ قۄرانَس منٛز تہِ خۄدا صٲبن چھُ یہِ ووٚنمُت کہِ اگر بہٕ مان ژٕ پَنٕنہِ پَتہٕ تھاوان کٲنٛسہِ مان ژٕ سجدٕ کَرُن سُہ آسہِ ہا موج وٕچھ یہِ موج چھِ سانہِ خٲطرٕ واریاہ اَصٕل چیٖز وٕچھ یہِ موج چھِ یہِ چھِ ہمیشہٕ مان ژٕ یہِ چھِ پَنٕنِس اولاد سٕنٛز بہتری چاہان تٔمِس خٲطرٕ بہتر گژھِ تہِ چھِ چاہان گوٚو أسۍ چھِ تَوَے یہِ أسۍ کیٛاہ چھِ یہِ مَدٲرٕز ڈے سیلِبریٹ کَران تاکہِ لُکَن لَگہِ اَمہِ ماجہِ ہِنٛز اہمیت اس وقت میرے ساتھ ہے نائنتھ کلاس کے تین اسٹوڈنٹس اینڈ دے آلسو وانٹ ٹو شیئر دیئر اوپینینس آن مدرس ڈے سو لیٹس شیئر فرام دیم سو دیکھتے ہیں کیا بولیں گے بھائی صاحب کیا نام ہلو عمر نائنتھ کلاس میں پڑھتا آپ کا نام کیا ہے عامر آپ کا نام ہے نا کیونکہ یہ ہم 9 مہینے اپنی یس میں پالتی ہے کوئی بات نہیں جو بہت ہی سخت پیریڈ ہوتا ہے ہمارے مدر کے لیے اور جو یہ مدر ہوتی ہے اس کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہمیں اللہ تعالیٰ بھی اس پر فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جان ہمیں چاہیے کہ ہم بس خالی مدرس ڈے کے دن نہیں ماں سے اچھے سے بات کریں یا وہ سٹیٹس وغیرہ چڑھائے اس کے دنوں بھی باقی دنوں میں ہمیں اس سے نرمی سے بات کرنی چاہیے سختی چھوڑنی چاہیے ماں کے سو ہمیں چاہیے کہ ہم ماں باپ کا خیال رکھے انہوں نے یہی بتایا کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے جیسے ہمارے اسلام میں بھی ڈیفینیٹلی بولا گیا اس بات کو سٹریس دیا گیا آج اسکول پہ مدرس ڈے کا فنکشن ہے اور جو مدر ہے یہ سب کچھ ہوتی ہے اور ماں کے قدم تلے جو ہے وہ جنت ماں کے قدم تلے جنت اس لیے جو آج مدرس ڈے کا فنکشن ہے ادھر بہت سارے مدر آئے گی وہ بھی پراؤڈ فیل کرے گی تو ہمیں چاہیے ہم ان کا خیال رکھیں ماں باپ کا خیال رکھے ان کا عزت کرے تو ڈیفینیٹلی بہت ہی اچھی میسج دی یہاں کے اسٹوڈنٹس نے آئی وش یو بیسٹ آف لک بہت بہت شکریہ آپ نے کنٹینیوئنگ دس ولاگ آپ بنے رہے اس ولاگ میں آئی ہوپ آپ انجوائے بھی کر رہے ہوں گے آپ جو ہے بہت ساری انفارمیٹیو باتوں کو ڈیفینیٹلی سن رہے ہوں گے آئی ہیو شفا وِد می یور نیم از شفا رائٹ تو شفا وانٹ ٹو شیئر ہر اوپینین یہاں پہ آن دی ایو آف مدرس ڈے لیٹس ہیئر فرام شفا اونلی اوکے سو فرسٹ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو مائی اسکول فار آرگنائزنگ این ایونٹ دیٹس ریلیٹڈ ٹو مدر وی شوڈ آلویز انکریج اور مدرس بیکاز دیئر ایفرٹس آر پرائس لیس یو نو دے ڈو سو مچ فار اس دے سپورٹ اس وین وی آر جسٹ کڈز وین وی کانٹ ایون واک دے سپورٹ اس وین وی ڈونٹ نو ٹو ٹاک رائٹ So we should try to support them. We should try to encourage them. We should try to make them feel that they are worthy. Absolutely. Yeah. Yeah. You go on. So then I just want to say that my mother, she takes my care every day. Even though now I'm a teenager, I'm now a grown up, yeah. she still sees me as a little child. Uh-huh. And wo mera itna care karti hai, itna pyar karti hai, mujhse aisi baat hai, wo daantti bhi hai mujhe. Achha. But still, she takes my care very, very, very well. Uh-huh. And dusri baat ye hai ki hume hamesha apni mothers ko educate karne mein help karni chahiye. Like, bahut baar kya hota hai ki aapne wo suna hi hoga, when a man is educated, only a man is educated. Absolutely. Like, when a mother is educated or a woman is educated, entire society is educated. Yeah, entire society is educated.
Sadaf is in 7th class. Assalamu alaikum everyone. Walaikum salam. Sadaf, what do you want to say regarding Mother's Day? I want to say something about Mother. I think Mother is the best teacher in the world that teaches us to be a good human. Mothers are the supreme creation of God, as many says that. And I think Mother wo sab kuch karti hai hamare liye. Wo bahut hi aham role leti hai ek hamare liye. Wo sabse important hai hamari zindagi ke liye. Wahi hame sikhati hai kya acha hai aur kya bura hai. Wahi hame sikhati hai ki acche aur bure mein kya farak karna chahiye. So friends, इस व्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, एंड मेरे साथ है इस वक्त गजाला जी. गजाला जी इज द मदर ऑफ अ डॉटर. यहाँ पे उनकी जो डॉटर है वो पढ़ रही है लाइफ स्कूल में. तो इनसे जानेंगे कि मदर्स डे इनके लिए क्या माने रखता है. जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम जिया. एक्चुअली आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बिकॉज आई हैव स्पेंट हियर मोर देन 15 इयर्स. आई हैव वर्कड हियर एज एन अकाउंटेंट, एज एन टीचर, एज एन कोऑर्डिनेटर. जी. और जिया मुझे लग रहा है कि आज इस स्कूल में आकर पहली बार एक अजीब सी फीलिंग है मेरे अंदर. अच्छा. क्योंकि मतलब आज मैं पहली बार एक मदर की तरह कर रहे हैं. हाँ, आज मैं मदर के तौर पर यहाँ आई हूँ और अपनी बेटी के लिए आई हूँ. अदरवाइज मैं जब भी यहाँ आई हूँ एज अ टीचर, एज अ अकाउंटेंट, एज एन कलीग, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर के लिए, बट फर्स्ट टाइम आई केम हियर एज अ मदर. जी. तो इट इज अ गुड फीलिंग. इट इज अ गुड फीलिंग, रियली इट इज अ गुड फीलिंग. जी. तो मैं बहुत खुश हूँ. This time I have with me Mr. Nazrul Afaqi साहब. तो इनसे हम जानेंगे कि इनने ये इस मदर्स डे पे ये फाइनली ये सेलिब्रेट क्यों किया आज के दिन पे, और क्या मैसेज देना चाहते हैं फाइनली. जी. अस्सलामुअलैकुम. सो इट इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे बच्चों को ना एक्सपोजर मिलता है. ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चों को एक्सप्रेशंस मिलते हैं. यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ ये बच्चों को आगे के लिए फ्यूचर प्रिपरेशंस मिलती है. बिकॉज वी कैन नॉट प्रिपेयर अवर स्टूडेंट्स राइट फॉर टुमारो, वी हैव टू प्रिपेयर इट फॉर द नेक्स्ट वन डिकेड और सो, कि आगे जो डिकेड्स में आएंगे तो दे शुड बी इन द बेस्ट. और फाइनली वी हैड टू इम्बाइब देम कि मदर की इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि उनको भी लगता है कि मुझे टॉफी भी यही मिलती है. बिकॉज हर वर्ल्ड गोज अराउंड इसी मदर के पीछे, उसका सारा वर्ल्ड अभी है. क्योंकि ये तो फर्स्ट तक बच्चे थे, तो इनका सारा दुनिया अभी इसी मदर के इर्द गिर्द घूमता है. तो मुझे नहीं लगता है कि इसलिए इनकी इफादियत, इसकी इम्पोर्टेंस और इसको एक्सप्रेशन करना कि यस वी लव योर न्यू मदर, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट. इसमें कन्वे मैसेज हमें यही कहने कि बच्चा अपनी माँ को बोले कि यस आई लव यू मॉम. अदरवाइज इट टेक्स डिकेड्स. 30 साल का बच्चा भी होता है, वो तब भी वो जवान हो जाता है. वो अभी अपनी माँ को ये नहीं बोलता है शुक्रिया, थैंक्स, वो इतना भी नहीं कह सकता. इसलिए लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, लेट अस इम्बाइब द कल्चर विद इन देम, कि ताकि ये पहले से सीखे कि थैंक यू. इवन अप टू मॉम को भी अपना थैंक यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. एंजॉय योर डे. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का व्लॉग जी खूब पसंद आया होगा. इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए व्लॉग पे, मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम पे और नए एक्सपेरिमेंट पे. अपना ख्याल रखिएगा, आसपास लोगों का भी ख्याल रखिएगा. और हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई साहब, अगर आपको ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा प्लीज़ को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना. अल्लाह हाफिज़. आई लव यू मॉम. हैप्पी मदर्स डे. We love you. Thank you so much. Subscribe, like, share and subscribe.